बहुत ऊँची थी, एकदम से ब्लास्ट हुआ और हम जब भाग के आए ना तो उसमें आग जल रही थी बहुत तेज। सिलेंडर में या किसी चीज में ये नहीं कह सकते, आग बहुत तेज थी। जैसे कपड़े वगैरह, अलमारी वगैरह सारी एकदम से बिखर गई थी और छत वगैरह गिर गई थी। पहली बार जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ उस टाइम यहाँ पे केवल छोटी बहू थी और नंद भौजाई से दोनों नंद चलिए। अभी वो कहाँ है? एडमिट से, एडमिट निकल से अभी तक आज सुबह आ गई हैं। आज सुबह अस्पताल से आई हैं। नमस्कार मैम। मैम जब ये घटना हुआ था तो इस बीच बताया जा रहा है कि आपकी भाभी की मृत्यु हो गई। हाँ, और आप भी घर पे थी और आप भी जली हैं वहाँ पे, पूरा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। हाँ। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में सिलेंडर फटने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक महिला की जान जा चुकी है और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। देखिए एलपीजी सिलेंडर यहां पर फटा है। एलपीजी सिलेंडर वही सिलेंडर है जो हम सबके रसोई घर में होता है, मौजूद होता है, लेकिन इस सिलेंडर की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से महिला की जान जा चुकी है, उसके बाद सिलेंडर फटने के कारण यहाँ पर पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है, पूरी बिल्डिंग यहाँ पर तहस नहस हो गई। बताया जा रहा है यहाँ पर कल दोपहर को यहाँ पर सिलेंडर फटा था, जिस वजह से 2-3 बजे के आसपास के वक्त बताया जा रहा है दोपहर में सिलेंडर फटने के बाद यहाँ पर इतनी तेज विस्फोट हुआ कि जिस वजह से ये जो बिल्डिंग है वो धड़धड़ा के नीचे गिरी है और गिरने की वजह से आप हालात देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग यहाँ पे तहस नहस हो चुकी है। साथ ही मैं आपको एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि अभी भी इस बिल्डिंग के आसपास खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पुलिस द्वारा कहा गया है कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त और बुरी तरीके से और ज़्यादा भी गिर सकती है। अभी भी ये जो बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा जो है डेंजर जोन में है क्योंकि ये बिल्डिंग अभी भी और गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है। देखिए कारण बताया जा रहा है यहाँ पे, फिलहाल कारण यही निकल के सामने आ रहा है कि सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो था वो फट गया था जिस वजह से यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त घर में महिलाएं मौजूद थी जिसमें से एक महिला की मौत हो गई है और एक महिला भी बुरी तरीके से घायल है। कारणवश जो बताया जा रहा है इसके पीछे अभी वो निकल के यही सामने आया है, सिलेंडर फटना। देखिए सिलेंडर जो फटा है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, आइए यहाँ पे लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस वक्त परिजन उनके मौजूद है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भगवान दास शर्मा। कब की घटना सर ये? कल 3:30 से 4:30 बजे के आसपास में की घटना। सर हुआ क्या, एक बार स्टार्टिंग से आप जरा बताएंगे। ऐसा था, मैं बाहर था और वो बहू नीचे थी, एकदम से ब्लास्ट हुआ और हम जब भाग के आए ना तो उसमें आग जल रही थी बहुत तेज। सिलेंडर में या किसी चीज़ में ये नहीं कह सकते, आग बहुत तेज थी। जैसे कपड़े वगैरह, अलमारी वगैरह सारी एकदम से बिखर गई थी और छत वगैरह गिर गई थी। वो छत गिर गई थी, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया वहाँ जी, और पीछे वाली जो इनके साथ में जो जगह है वो खाली होने की वजह से, या जैसे भी इसके लिए कुछ नहीं कह सकते कैसे क्या हुआ है। और ये कब गिरी है भरभरा के जो बिल्डिंग? ये कल ही गिरी है। कल ही गिरी, उसी वक्त गिरी? हाँ उसी टाइम गिरी है, 3:30 से 4:45 बजे की। तो आशंका क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये सब कुछ हुआ? हाँ जी, ये सिलेंडर हुआ या क्या हुआ? ये अलग है, ये मकान जो है ये अलग है, जितना ये पोर्शन है उतना पोर्शन पीछे खाली था। ये वाला अचानक लाइट खाली प्लॉट था, ये खाली प्लॉट है, इसके पीछे इसके 2 मंजिल बना हुआ था। ये वाला जो है जितना ये पोर्शन है ये इतना पोर्शन पीछे था, ये मकान पीछे ऐसे लकड़ी कवर कर रहे हो ना, लकड़ी पलंग वगैरह के जो है वो उसके ऊपर दूसरी मंजिल थी। एकदम से जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है क्या कारण इसके पीछे बताया जा रहा है कि सिलेंडर जो था वो का डेट खत्म हो गया था या क्या था वो? इसके बारे में तो हमें कोई इशू नहीं है, अभी पुलिस वालों ने कोई अंदर से कोई वो भी नहीं करी है ना, हम गए हैं अंदर, अभी अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे, किसी को नहीं दिया था। और पहली बार जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ उस टाइम यहाँ पे केवल छोटी बहू थी और नंद भौजाई थी दोनों, इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। जो उनके नंद भौजाई थे उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा? नहीं, वो एक उसको जल गई है ना लड़की, थोड़ा चेहरा जल गया है और हाथ जल गया उसका। नंद थी, जो नंद कौन जली है? नंद जली है। अभी वो कहाँ है? एडमिट निकल से अभी तक आज सुबह आ गई हैं। आज सुबह अस्पताल से आई हैं। तो उनका हाथ ये पूरा जला हुआ है। अरे बात करने के हालात में है? बिल्कुल नहीं, बात कर लेंगे। अरे नहीं कर पा रही है तो ये बता यार, कब कर रहे हैं भाई, कर लेंगे बात, कर लेंगे। भू जल गया पूरा ये, बस अगर देख सकते हैं उनको हाथ, देख लो आप, देख सकते हैं ठीक। और जिस टाइम हुआ था उस टाइम यहाँ कोई नहीं था, सब ड्यूटी पे थे, पिताजी भी थे, बड़ी बहुत बहू घर गई हुई थी, छोटी बहुत बहू यहीं थी और उसकी नंद थी यहीं पे, कोई नहीं था। वो लड़की की शादी थी, शॉपिंग का काम चल रहा था, एंगेजमेंट हो चुका था, जो नंद भरा दोनों थे, इसके अलावा यहाँ कोई मोहल्ले में ठाने भैया थे उधर, बट जब ब्लास्ट हुआ इनको पता लगा तब ये भैया है,
सब मोहल्ला इकट्ठा मोहल्ला सब आर पड़ोस वाले आए मोहल्ला उस वक्त आस पड़ोस वाले आए थे मदद के लिए सर। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मकान यहाँ पे कमजोर बने क्या कारण है, या फिर अगर मैं बात करूँ आगे गली में इतने लोग मौजूद है तो कमजोर मकान बने हैं क्या? नहीं नहीं मैडम, कमजोर नहीं बने हैं, ये ब्लास्ट होने की वजह से ही आवाज जो साउंड हुआ है ना उसकी वजह से गिरा है, और 9 इंची दीवार है, या तो पीछे खाली होने की वजह से गिरा है या कैसे गिरा है ये नहीं कह सकते क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है। कौन सी कंपनी का सिलेंडर था? इंडियन का था, जो कि दो, आपको पता है 2 सिलेंडर सबको मिलते हैं, एक्चुअली 1 सिलेंडर नीचे रखा हुआ था, 1 सिलेंडर ऊपर रखा हुआ था। अब वो नीचे वाला सिलेंडर में कैसा क्या है, वो बहू जो है सिलाई मशीन काम कर रही थी और उन्हीं के अंदर यहाँ गेट में बैठी हुई थी, अचानक ब्लास्ट हुआ, वो सिलाई कर रही थी और एकदम से घटना हुई। हाँ जी मैडम, एकदम से घटना हुई, कोई नहीं था यहाँ। ये मीटर वगैरह 4-4 सर्किट हुआ हो, कुछ भी हो, इसका कुछ से कोई था नहीं, कोई समझदार या कुछ। अब औरतें, आपको पता ही है, जब औरतें काम में कर रही हैं तब ब्लास्ट हुआ तो अचानक ऐसी घटना हुई। नमस्कार मैम, जब ये घटना हुआ था तो इस बीच बताया जा रहा है कि आपकी भाभी की मृत्यु हो गई थी। हाँ, भाभी की मृत्यु हो गई थी, और वहाँ पे भाभी कहाँ पर बैठी थी? अंदर थी, मैंने तो अंदर देखी थी, अंदर पड़ी थी उसी वक्त उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। कितने वर्ष की थी आपकी भाभी? 24। और आप भी घर पे थी और आप भी जली हैं वहाँ पे, पूरा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। हाँ, तो फिलहाल डॉक्टर ने क्या बोला है, अभी आप ठीक फील कर रही हैं? बस आग सी पड़ रही है हाथ पैरों में मेरे अभी। हाँ जी, आग निकल रही है हाथ पैरों में, बहुत जलन हो रहा है, पूरा ये पोर्शन जल गया हाथ और ये फेस, पेट वगैरह सब जला पड़ा है, पेट वगैरह भी हर जगह लगा है। हुआ क्या था मैम, एक बार कुछ बताना चाहेंगे? एकदम से ऐसा धमाका हो गया? मुझे खुद नहीं पता, मेरे को खुद ही होश नहीं है, मैं खुद भी होश हो गई थी। आपको अस्पताल में आया? हाँ। ठीक है मैम, फिलहाल मैं अभी इनके घर के बाहर मौजूद हूँ, उनके जो परिवार वाले हैं वो भी आए हैं, इनके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, बोलने की हालात में नहीं। बताया जा रहा है जिन महिला की मौत हुई है वो गर्भवती थी, 7 महीने की प्रेगनेंट थी और 7 महीने का बच्चा उनके पेट में था और उनकी ही मृत्यु हुई है। और फिलहाल अब इनके परिवार वाले बोलने के हालात में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं। हालात आप देख सकते हैं, जो घायल महिला थी उनसे भी मैंने आपकी बात की है, आपको मैंने दिखाया। और अब जिन महिला की मृत्यु हुई है, बताया जा रहा है उनके परिवार द्वारा कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी। इसी के साथ बता दें कि फिलहाल आग पर कल किसी तरह काबू पा लिया गया था, फायर कंट्रोल रूम के 4:15 बजे के आसपास सूचना मिली थी, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। इस हादसे में एक महिला घायल भी हुई है और एक की मौत हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। दोनों को कैक्टस एम्बुलेंस के मदद से संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, जिसमें एक महिला को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक महिला की जो पहचान है वो 24 साल की रजनी के रूप में हुई है। साथ ही में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए सिलेंडर फटने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, कहीं पर गैस खुला छोड़ देते हैं, फिर गैस लीक होने की वजह से अगर वहाँ पे वो आग के संपर्क में आते हैं तो सिलेंडर फट जाता है, या फिर सिलेंडर अगर हम धूप या किसी गर्मी वाली जगह पर रखते हैं तो सिलेंडर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में क्या पता है जो सिलेंडर था वो डेट उसके एक्सपायर हो चुकी होगी, या फिर कोई और तमाम कारण हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट का कारण एक बताया जा रहा है लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर विस्फोट हुआ, आवाज़ आई, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, एक महिला की जान गई है। मैं फिलहाल यहाँ पर सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि इनके परिवार का थोड़ा समर्थन करें, जो इनके परिवार यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ थोड़ा के यहाँ पे खड़े हुए। फिलहाल लोगों का कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो भी वहाँ पे मौके पर मौजूद हो गए थे और यहाँ के निगम पार्षद हैं वो भी मौके पे आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद सर जो इनका परिवार है जो यहाँ पर मौजूद थे, जिनके साथ ये घटना घटी है, जहाँ जो यहाँ पर रह रहे थे, उनके साथ थोड़ी अब सहूलियत बरतनी चाहिए, उनको थोड़ा सा उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि परिवार पे अभी बहुत बड़ा मातम छाया हुआ है। पूरी खबर अभी आपने देखी है, जिन जो महिला भी घायल हुई थी वो भी अभी आपने देखी है। इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने घर में अगर LPG सिलेंडर रखते हैं, सतर्क होकर, सावधान होकर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है और जिससे बच कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं श्रेया।